a 3D truck. चलिए गुड इवनिंग दोस्तों सभी को गुड इवनिंग जोहार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन में और सी uh, एन का सेशन चल रहा था कल के सेशन में आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से uh, क्लास को किया समझा आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया गया है ऐप पे अच्छा वो गलती से लगता है शेड्यूल नौ बजे कर दिया गया था जो थमनेल में लिखा हुआ है वही टाइम है दोस्तों ठीक है जो थमनेल में टाइमिंग लिखा हुआ है ना वही टाइमिंग है नौ बजे गलती से कर दिया गया था तो सबको थोड़ा शेयर कर दीजिए बाकी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए है ना थमनेल में आठ बजे लिखा हुआ था लेकिन हो सकता है कि मिस्टेक से शेड्यूल दस नौ बजे हो गया होगा तो जिसके वजह से लोग कन्फ्यूज़ हुए हैं ठीक है चलिए लिंक को शेयर करिए फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे कल आप लोगों ने सी एन टी एस पी टी एक्ट के महत्वपूर्ण बातों को समझा था कल आप लोग मुख्यतः देखे थे उसका बैकग्राउंड देखे थे उसका इतिहास देखे थे कौन कौन सा एक्ट आया है झारखंड में भूमि संबंधी उसके बारे में आपने जाना था उसके अलावा आपने 19 अध्याय के बारे में जाना था ठीक है मौजावास सर्वे क्या था भूंहरी सर्वे क्या था मंझ भूमि क्या था है ना भूईहरी भूमि क्या था ए, इसके बारे में आप लोगों ने सीख लिया था भूधृति अधिनियम के बारे में आपने जाना था जिसमें आपने देखा कि विशिष्ट कमिश्नर का कितना महत्वपूर्ण रोल था विशिष्ट कमिश्नर को कितनी सारी शक्तियाँ दी गई थी आज का जो क्लास होगा दोस्तों कल की तरह तो उतना लंबा आज नहीं दे पाऊँगा क्योंकि आज मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ थोड़ी भाग दौड़ थोड़ी भाग दौड़ हो गई दिन में तो बहुत लॉन्ग क्लासेस तो नहीं दे पाऊंगा आज बट हम लोग आज शब्दावली पर फोकस करेंगे आज जो सी एन टी एस पी टी एक्ट जो झारखंड के भूमि संबंधी कानून है उसमें जो शब्दावली यूज होते हैं जिससे लोगों को दिक्कतें आती है जैसे कि रैयत रैयत क्या होता है कस्तकार क्या होता है अधिभोगी रैयत क्या होता है अनधिभोगी रैयत क्या होता है कृषि वर्ष किसको बोलते हैं है ना उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द आपको सी एन टी एक्ट में मिलेंगे वैसे शब्दावली मिलेंगे जो आपको परेशान करते हैं ठीक है और उन्हीं शब्दावलियों की वजह से आप लोगों को दिक्कतें आती है क्या करने में उन्ही शब्दावलियों की वजह से आप लोगों को धारा याद करने में दिक्कत आ रही है ठीक है कल जो आप लोग को हम बोले थे कि आप लोग अध्याय को अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि अध्याय के अंदर धारा बता दिया गया था कि किस अध्याय में कौन कौन सी धारा है तो वो अगर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पर अध्याय के विषय अगर आपको याद रहेंगे ना ठीक है अध्याय के अगर विषय याद रहेंगे तो आप धारा वाला सवाल भी आराम से कर लोगे ठीक है डायरेक्ट धारा याद करोगे डायरेक्ट धारा याद करने की कोशिश करोगे दिक्कतें आएंगी इसलिए दोस्तों आपका यही टारगेट है जो अध्याय है उसको अच्छे से समझ लीजिए पढ़ लीजिए और जैसा कि मैं बोला था आपको कि ये क्लास आज भी चलेगी और कल भी हमारा प्रयास है कि कल भी आपका यही क्लास होगा कल देखते हैं कि कल इस पर प्रश्न करवा देते हैं एस पी एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कल और कल इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सकता है करवा देते हैं जैसे कि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए इस चैप्टर के संबंध में ठीक है दोस्तों तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके क्योंकि आज थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को हुआ है ठीक है थोड़ा शेयर करिए आज बहुत लंबी क्लास तो नहीं चलेगी एक एक डेढ़ घंटा ही चलेगी तो आप लोग थोड़ा शेयर करिए बाकी लोगों को बता दीजिए ठीक चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उससे पहले आप सभी को अगर झारखंड जीएस का कोर्स परचेज करना है कंप्लीट झारखंड जीएस ऐसे तो जेपीएससी के लिए भी कोर्सेस हैं हमारे पास ऐप में झारखंड पुलिस जे झारखंड दरोगा जे पी मेंस, इन सब के कोर्स अवेलेबल हैं दोस्तों कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है ठीक है उसमें क्लासेस चल रही हैं लेकिन अगर आप लोग अभी इस लास्ट टाइम में झारखंड जीएस कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट मोड में मिलेगा इसके लिए आपको ज़्यादा पे नहीं करना है सिक्स नाइन्टी नाइन पे करना है आपको कंप्लीट वीडियो और नोट्स मिल जाएंगे लगभग अस्सी से नब्बे घंटे की क्लास झारखंड जीएस की मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको उसमें नोट्स बैग भी मिल जाएंगे ठीक है अब हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर दोस्तों चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जो लोग अभी जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सी एन टी सी एन टी एस पी टी की महत्वपूर्ण शब्दावली ठीक है सी एन टी एसपीटी की महत्वपूर्ण शब्दावली पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से शब्द हैं इसके अंतर्गत जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो आप लोग को बताए थे भूधृति के बारे में कल ही बता दिया गया था आई थिंक भूधृति के बारे में आप लोग को लिखवाए थे बट एक बार चूंकि शब्दावली हम डिस्कस कर रहे हैं तो शब्दावली थोड़ा सा क्लियर कर ही देते हैं भू भू-धृति एक शब्द आया था कल वो भू-धृति क्या होता है आइए समझिए भू धृति ठीक है भू-धृति का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों टेन्योर लैंड टेन्योर ठीक है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको लैंड टेन्योर के नाम से जाना जाता है ठीक चलिए तो इसको क्या बोलते हैं लैंड टेन्योर बोलते हैं और इसका मतलब होता है भूधृति भूमि जो होता है यह भूमि की उस अवस्था को कहते हैं शायद कल लिखवाए थे ना भूदृष्टि भूमि भूमि की उस व्यवस्था को कहते हैं भूमि की उस व्यवस्था को कहते हैं ठीक है जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का है ना क्या होता है वर्गीकरण हो और उनके अधिकारों और दायित्व का उल्लेख हो वर्गीकरण हो और उनके अधिकारों और दायित्वों का उल्लेख हो भूमि की एक व्यवस्था है दोस्तों भूधृति जो है भूमि की एक व्यवस्था है जिसमें क्या होता है ना जिसमें इसमें क्या होता है भूदृति में कि भूमि पर जो लोग भी अधिकार रखते हैं ठीक है किनका किनका अधिकार है उसका वर्गीकरण किया जाता है और जिनका भी अधिकार है उस भूमि पर भूधृति पर भूमि पर उनका क्या अधिकार है और उसका उस भूमि के प्रति क्या दायित्व तो है यह व्यवस्था उसके अंतर्गत होती है के अंतर्गत ठीक है समझ रहे हैं आप लोग चलिए एक डेफिनेशन हो गया शब्दावली समझ में आ गया भूध का मतलब लैंड टेन्योर इसको इंग्लिश में बोलते हैं भूध भूमि की उस व्यवस्था को बोलते हैं जिसमें क्या होता है जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है और उनके अधिकारों और दायित्वों का उसके अंदर उल्लेख होता है इसी को क्या कहा जाता है साथियों भूधृति कहा जाता है ठीक है आप लोग जल्दी से लाइक शेयर करो ताकि बाकी लोग भी जुड़ पाए जुड़ पाए रघुनंदन जी झारखंड पुलिस का बहाली आ जाएगा भाई ये पूछिए गवर्नमेंट से पूछिए ना हम लोग बहाली नहीं निकालते हैं हम लोग को गवर्नमेंट से कहीं सूचना मिलती है तो आपको बता देते हैं अपने आप आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली शब्दावली की ओर बढ़ते हैं चूंकि शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त शब्दावली समझ लोगे ना तो आपको बाकी चीजें आसानी से समझ में आने लगेगी चलिए अब अब हम लोग बात करने वाले हैं कृषि वर्ष किसको बोलते हैं सीएनटी एक्ट के अंदर कृषि वर्ष क्या है भाई कृषि वर्ष क्या है तो कोई स्थानीय क्षेत्र है मान लीजिए उसमें कृषि कार्य के लिए जो प्रचलित जो समय होता है ना किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए जो प्रचलित समय होता है उसी को कृषि वर्ष कहा जाता है समझे क्लियर है काफी है मनीष कुमार मेरे बुक में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना सी एन टी एस का उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा तो अच्छे खासे सवाल बन जाएंगे आपके ठीक है चलिए काफी सवाल दिए गए दो सौ से ज्यादा सवाल है उसमें तो कृषि वर्ष किसको बोलते हैं साथियों कृषि वर्ष बोलते हैं वह वर्ष वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित हो स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित हो ठीक है वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित प्रचलित होता है उसको क्या बोलते हैं साथियों कृषि वर्ष बोलते हैं नोट हम कर दे रहे हैं आप लोग लेते जाएं, जाएं, जो भी आपको उचित लगता है।, है, ना दोस्तों? तो ये बात है उसके बाद अगली शब्द तो आप लोग यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा यह भूगत बंद बंधक क्या होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भुगत भुगत बंद बंधक ये भुगत बंद बंधक किसको कहते हैं ये थोड़ा समझने वाला विषय है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कस्तकार के विषय में ही बोला जा रहा है देखो कल के क्लास में हम कस्तकार के बारे में बताए थे आप लोग को कस्तकार किसको कहते हैं कस्तकार के अंतर्गत कई लोग आते हैं जैसे उसमें भूधारक आता है उसमें रैयत आता है उसमें खुटकटीदार रैयत आता है ये सारे कस्तकार के वर्ग हैं मतलब कस्तकार वो हुआ ना जो कि किसी के अधीन भूमि को लेकर के उसका कृषि कार्य के लिए उपयोग कर रहा है ठीक है अब उसमें कुछ लोग क्या करता है कि उसको वो भूमि को लेकर के कार्य करता है कुछ लोग को अधिकार मिला हुआ रहता है ठीक है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी जिसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं चलिए अजय कुमार गुप्ता बहुत दुर्गामी जगह से आप क्लास को लाइव देख रहे हैं है ना स्क्रीनशॉट मत लीजिए ना लिखते जाइए लिखते जाइए चलिए दोस्तों वह वा, ये वाला क्लियर हो गया भूगत बंद बंधक को समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा कस्तकार जो उधार में लिए गए धन के लिए ऐसा कस्तकार जो उधार में लिए गए धन के लिए क्या करता है बंधक रखता है आप लोग गिरवी रखना समझते हैं गिरवी रखना हम्म गिरवी रखना समझते हैं मतलब कि बहुत लोग क्या करता है ना कि डायरेक्टली उधार ले लेता है कि हाँ इतना हम इसका सूद चुकाएंगे ठीक है लेकिन कई जगहों पर उधार जो है डायरेक्टली नहीं मिलता है उसको उसके बदले क्या पड़ता कुछ कुछ रखना पड़ता है कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है कुछ ना कुछ बंधक रखना पड़ता है गिरवी को ही बंधक कहा जाता है तो जो भूगत बंध बंधक होता है ना दोस्तों भूगत बंद बंधक जो होता है वो किसी व्यक्ति से उधार जब लेता है तो उसके बदले और खासकर कस्तकार के बारे में बात हो रहा है यहां पर तो कष्टकार जब किसी व्यक्ति से उधार लेता है तो क्या करता है अपनी भूमि को क्या कर देता है ना वो बंधक रख देता उस व्यक्ति के पास ठीक है जब कष्टकार किसी व्यक्ति से उधार लेता है लोन लेता है ऋण लेता है तो उस अपनी भूमि को वो क्या कर देता है बंधक रख देता है गिरवी रख देता है एक सीमित समय का निर्धारण किया जाता है ये दिन तक भुगत बन बंधक में एक, एक सीमित समय का निर्धारण किया जाता है कि कितने दिन तक हम इसको बंधक में रख रहे हैं और वो उस अवधि तक जब तक के लिए वो बंधक में रखा है उस अवधि तक जो ऋण लिया है उसका ब्याज तो चुकाता ही है समझे जो ऋण लिया उसका ब्याज तो चुका है लेकिन साथ साथ उसकी भूमि से जो भी पैदावार होता है उसकी भूमि से जो भी उत्पादन होता है उस पर भी उसी का अधिकार हो जाता है जिसको वो बंधक रखता है आया बात समझ में ये वाला क्लियर हुआ भूगत बंद बंधक किसको किसको क्लियर हो गया एक बार मुझे बताइए भूगत बंद बंधक किसको किसको क्लियर हो गया हम्म बहुत बढ़िया सबको समझ में आ गया ना मतलब कि क्या कि कोई अगर गिरवी कोई अगर क्या करेगा कोई कस्तकार अगर लोन लेगा किसी से उधार लेगा ऋण लेगा तो उसको तो ब्याज चुकाएगा ही साथ ही साथ उसको वो क्या करेगा कि अपना भूमि को उसको बंधक रख देगा और बंधक रख देगा और एक, एक सीमित समय तक बंधक रखेगा और उस भूमि से जो भी लाभ होगा उसमें से किसी भी लाभ का हकदार कष्टकार नहीं होगा इसी को कहा जाता है भूगत बंद बंधक ठीक है चलिए मनीष कुमार जी आप मनीष भारती बाद में इस टॉपिक पे बात कर लीजिएगा कुछ नहीं हम आप लोग को समझाने में फोकस कर रहे हैं बाकी जो आप कमेंट कर रहे हैं वो आप गलत बता गलत बोल रहे हैं ठीक है आप इस तरह के कमेंट अभी क्लास के बीच में ना करें इससे डिस्टरबेंस होगा ठीक है तो पढ़ाई पे फोकस करिए अगर आपको पढ़ना है सी एन टी एस पी टी एक्ट तो ध्यान लगा के पढ़िए और नहीं पढ़ना है तो इस तरह के कमेंट मत कीजिए ठीक है कि हम चिड़चिड़े हो गए हैं कल की क्लास देखिए कोई चिड़चिड़ापन चीर नहीं है टॉपिक गंभीर है तो गंभीरता से समझना पड़ेगा आपको और गंभीरता से मुझे समझाना भी पड़ेगा ठीक है चलिए तो यह वाला क्लियर हो गया भूगत बंद बंधक यानी उधार लिए गए धन के लिए क्या करेगा उधार लिए गए धन के लिए बंधक रखे क्या करेगा बंधक रखेगा बंधक रखे और क्या करेगा बंधक अवधि तक सभी प्रकार के शुद्ध लाभ से वंचित रहेगा और बंधक अवधि तक अवधि तक शुद्ध लाभ से वंचित रहेगा शुद्ध लाभ से वंचित रहेगा ठीक है बंधक जब तक वो रखा है तब तक के लिए वो भूमि से जो भी शुद्ध लाभ होगा उससे वो वंचित रहेगा दोस्तों ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगली शब्दावली की ओर बढ़ते हैं और अगली जो शब्दावली आपके लिए वो क्या है ज्योत किसको कहा जाता है इसका मतलब तो लगभग सब लोग जानते हैं ज्योत किसको कहते हैं तो ज्योत दो जो होता है दोस्तों रैयत द्वारा जो धारित भूमि होता है ना रैयत के द्वारा धारित भूमि रैयत के द्वारा धारित भूमि को क्या बोलते हैं रैयत के द्वारा धारित भूमि को ही क्या बोलते हैं जोत बोलते हैं ठीक है रैयत के द्वारा ही धारित भूमि जो होता है उसको क्या बोलते हैं जोत बोलते हैं ठीक चलिए अगला पॉइंट सुनिए रैयत जिस भूमि को धारित कर लेता है ना उस भूमि को जोत बोलते हैं इसके इसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एक और शब्दावली की कोरकर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी गया है कोरकर के बारे में पूछा भी गया है ये कोरकर क्या होता है कोरकर क्या होता है दोस्त बताओ पढ़े हैं ना आप लोग पहले भी देखिए कोड़कर जो भूमि होता है इसके बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि ऐसी जंगली भूमि ऐसी बंजर भूमि ऐसी बंजर भूमि या आप इसको जंगली भूमि बोल सकते हैं है ना ऐसी बंजर भूमि जिसे भूस्वामी के अलावा भूस्वामी के अलावा किसी कृषक द्वारा खेती के लिए तैयार किया गया है ठीक है कोई ऐसा बंजर भूमि है जिसको भूस्वामी नहीं भूस्वामी के अलावा कोई और कोई कृषक है जो कृषि के लिए खेती के लिए भूमि को तैयार किया है वैसी भूमि को क्या बोलते हैं वैसी भूमि को कोरकर बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों ऐसी भूमि को कोरकर कहा जाता है इसको भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि कल की जो क्लास हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी जो लोग नहीं देखे देख लीजिएगा और वो क्लास जो है वो वीडियो के वीडियो तो यूट्यूब में अवेलेबल है ही वीडियो और पीडीएफ करियर फाउंडेशन के ऐप पर भी अवेलेबल है कल की क्लास का वीडियो और पीडीएफ करियर फाउंडेशन के ऐप में जाइएगा आप वहाँ रजिस्टर करिएगा वहाँ पे जो लाइव जो फ्री वीडियो का सेक्शन है उसमें सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा ठीक है तो उस वीडियो को तो ऐसे आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं मगर पीडीएफ आपको ऐप से ही डाउनलोड करना है कल वाली क्लास का ठीक है ना चलिए भी समझ गए आप लो? अब आप लोग लोग अब आगे समझिए भूस्वामी किसको बोलते हैं चूंकि यहां भूस्वामी का जिक्र आया है तो भूस्वामी भी समझ लीजिए भूस्वामी आखिर होता कौन है ये सब समझ गए ना तो सी एन टी में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को उसके बाद थोड़ा थोड़ा रटते जाइए रटने में देखिए रटने में तब दिक्कत आती है ना जब आप शब्द ही नहीं समझ रहे हैं तो रटे जा रहे हैं, तो दिमाग में चीजें नहीं समझे लेकिन अगर आप शब्दों को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप जब धाराओं को पढ़िएगा अध्याय के अंदर तो आसानी से आपके दिमाग में जाएगा अब भूस्वामी का मतलब समझिए देखिए ये, ये भूस्वामी वह व्यक्ति होता है वह व्यक्ति जिसके अधीन जिसके अधीन कस्तकार ठीक है कस्तकार भूमि धारण करते हैं समझे जिसके अधीन कष्टकार जो होते हैं वो भूमि धारण करते हैं ये बात याद रखिएगा और एक ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछ सकता है कि भूस्वामी कौन हो सकता है है ना तो एक पॉइंट उसमें ऑप्शन में ये भी रहेगा कि सरकार हो सकता है इसमें गलत कथन की पहचान करिए है ना तो दोस्तों भूस्वामी के बारे में याद रखिएगा ये जो वह व्यक्ति जिसके अधीन कस्तकार कस्तकार का मतलब तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कल ही याद हो गया होगा आपको कि कस्तकार के अंदर भूधारक आते हैं रैयत आते हैं अभी रैयत को भी हम कैटेगराइज करके बताएंगे ठीक है वह व्यक्ति जिसके जिसके है ना? यहां पे मिस्टेक हुआ है लिखने में जिसके अधीन कष्टकार भूमि को धारण करते हैं यह सरकार, सरकार भी हो सकती है यह सरकार भी हो सकती है दोस्तों यह सरकार भी हो सकती है मतलब कि क्या भूस्वामी कोई व्यक्ति भी हो सकता है नॉर्मली और कई सारे जमीन का भूस्वामी सरकार भी हो सकती है हो सकता है कि कोई कष्टकार है जो कि सरकार से भूमि धारण किया है तो उस केस में तो भूस्वामी सरकार हो जाएगा समझ रहे ना तो भूस्वामी का सिंपल से डेफिनेशन यही हुआ कि उसके अधीन जो होते हैं रैयत भूधारक फिर आपका खुटकटीदार ये सब भूमि को धारण करते हैं उसी को कहते हैं क्या उसी को कहते हैं भूस्वामी ठीक है क्लियर है सबका लाइक बटन दबा दो भाई कल का क्लास अगर पसंद आया था तो कल के क्लास के बदले भी आज का लाइक बटन बनता है ना आज थोड़ा सा लंबा नहीं ले पाएंगे कल की तरह ढाई घंटा अगर ले लेते तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती मगर आज मैं थोड़ा छोटा क्लास लूँगा बिकॉज मैं ऑलरेडी दिन भर इधर उधर भाग दौड़ में था तो थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ तो थका हुआ में क्या होता है कि हंड्रेड परसेंट हम लोग अपना नहीं दे पाते हैं ठीक है देते हैं लेकिन हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाते हैं तो इसी वजह से आज थोड़ा सा क्लास को छोटा ही करेंगे एक, एक सावा घंटा डेढ़ घंटा तक ही ठीक करेंगे उसके बाद कल का क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके करा देंगे ठीक है चूंकि हम बोले थे तीन दिन कराएंगे मैक्सिमम चीजें कवर करने का प्रयास करेंगे सर आप कस्तकार भी बताइए कस्तकार तो कल ही बताए जी क्यों बार बार एक ही चीज़? कल का क्लास अटेंड नहीं किए होंगे आज का कस्तकार पूछ रहे हैं ठीक ना तो दोस्तों कस्तकार कल ही बोले थे कस्तकार में वो सभी भू भु, वो भूधारक आता है रैयत आता है सभी कस्तकार में आते हैं मतलब जो भूमि को धारण करके इस्तेमाल करते हैं समझे भूमि को भूमि का धारण करके जो इस्तेमाल करते हैं किसी को अधिकार मिला हुआ रहता है कोई कुछ समय के लिए धारण करके लगान चुकाता है तो उसी को तो कस्तकार बोलते हैं खुटकटीदार भी कस्तकार के अंतर्गत आता है ठीक है पूरा क्लास अटेंड कीजिए उसके बाद बोलिए कि ये सब समझ में नहीं आ रहा है ठीक है चलिए देख लो कितना राखी है देख लो चलिए भूस्वामी समझ में आ गया अरे भाई लगान किसको जाता है लगान हमें बताएंगे ना लगान एक अलग ही है लगान एक अलग ही धारा है उसमें हम डिस्कस करेंगे लगान के बारे में लगान तो ऑब्वियसली सरकार ही लेती है भूस्वामी थोड़ी ना लगान लेता है लगान सरकार को ही जाता है ठीक है कई कंडीशन में भूस्वामी सरकार ही, ही होता है तो क्लियर करेंगे लगान वाले विषय में चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगर हम बोले तो भूस्वामी क्लियर हो गया अब थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में कस्तकार के बारे में अभी पूछ रहे थे ना आप लोग कस्तकार बताइए सर तो लीजिए कस्तकार भी आ गया कस्तकार क्या होता है दोस्तों वह व्यक्ति होता है कस्तकार जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है भूमि धारण करता है ठीक है किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि जो धारण करता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों उसी को कस्तकार बोलते हैं अब यहां पर आप लोग कस्तकार के बारे में एक चीज जान लीजिए जो कस्तकार होगा उसके बारे में आप लोग को ये पता होना चाहिए दोस्तों क्योंकि कल के हम क्लास में आपको बताए थे अध्याय दो में कस्तकारों के वर्ग के बारे में लिखा हुआ है कि है नहीं अध्याय दो में कस्तकारों के वर्ग के बारे में लिखा हुआ है अब देखो यहां हम धारा भी बताएंगे रुक जाना कस्तकार वह व्यक्ति होता है जिसे अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है और दोस्तों कस्तकार जो होता है ना ध्यान से सुनिएगा यहां पर यहां पर दो तीन धारा भी आप लोगों को साथ में याद आ जाएगा कस्तकार इसी कस्तकार के अंदर तीन चीजें आती है ठीक है एक भूधारक आता है भूधारक आता है दूसरा रैयत आता है रैयत आता है और तीसरा जो दोस्तों खुटकटीदार आता है ठीक है भूधारक आता है रैयत आता है और खुटकटीदार आता है खुटकटीदार समझे कस्तकार के अंतर्गत ही भूक आता है रैयत आता है और का दीदार आता है चलो अब यहां पर ना आप लोगों को यह पता होना चाहिए इसके दो तीन धारा तो आप लोग को आराम से याद हो जाएगा समझे क्योंकि जब आप कस्तकार के बारे में पढ़ेंगे कल आप लोग देखे थे कि अध्याय वन कैसे हम लॉजिक आपको बताए थे का अध्याय से धारा याद होगा कल आप लोग जो क्लास पढ़े थे उसमें आप लोग देखे थे कि जो पहला वाला अध्याय था उसमें एक दो तीन तीन धाराएं थी और जो दूसरा वाला अध्याय था उसमें चार पांच छ सात आठ आठ तक धाराएं थी ठीक है तो दोस्तों कस्तकार जो है उसका मतलब भूधारक का मतलब रैयत का मतलब खूंटीदार का मतलब ये सारी बातें अध्याय दो में मिलेगी किसमें मिलेगी अध्याय दो में मिलेगी और धारा भी याद रखना बहुत आसान है भाई यहां पर क्योंकि अध्याय दो का धारा नंबर चार में ये है अध्याय दो का दो का धारा नंबर चार में ये है भूधारक का मतलब किसमें है है ना भू धारक का अर्थ जो है धारा नंबर पांच में है यहां लिख दे रहे हैं धारा नंबर पांच में भूधारक का मतलब है उसके बाद दोस्तों धारा नंबर जो छ है उसमें रैयत का अर्थ है धारा छ जो है उसमें रैयत का अर्थ है और धारा सात जो है ना उसमें क्या है भाई उसमें आपका खुटकटीदार का, का अर्थ है ठीक अब बोलिए यहां से चार पांच धाराएं याद हो गई कि नहीं होगी कैसे धारा को और अध्याय को मिला मिला के पढ़िएगा ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन में जाइएगा धारा लगाने तो कभी याद नहीं होगा जी ऐप डाउनलोड हो जाएगा जी राकेश कुमार ऐप को डाउनलोड करिए अच्छा राकेश कुमार को बिमला कुजूर बोल रही है ठीक है चलिए तो यहां पर देखिए आपको कई सारी धाराएं याद हो गई देखो पहला दूसरा तीसरा तो आपको याद हो ही गया होगा कल ही के क्लास में आपको बोले थे कि जो पहला अध्याय है उसमें तो परिभाषा और विस्तार ही तो है जो पहला वाला अध्याय था जिसमें कि आपका वन टू थ्री आ रहा था समझे पहला जो अध्याय था दोस्तों उसमें तीन ही ना धारा आ रहा था धारा वन आ रहा था धारा टू आ रहा था और धारा तीन आ रहा था तीन ही तो आ रहा था जिसमें धारा वन में क्या था देखो धारा सब याद करवा रहे हैं और पूरा हम दो को नहीं याद कराएंगे आपको आइडिया दे, दे देंगे कि ऐसे धारा याद कीजिए तो आपका जो नोट्स मिला हुआ है जो भी हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आपको आराम से याद हो जाएगा ठीक है सुनिए सुनिए हर्षवर्धन रुक जाइए थोड़ी देर रुक जाइए उसके बाद जाइएगा क्योंकि थके हम भी है नींद मुझे भी आ रही है मगर आपका क्लास ले रहे हैं ना अक्रम राजा क्यों परेशान है 2021 का करंट अफेयर 2021 का पूरा इधर तक कंप्लीट कर लीजिए जुलाई तक जुलाई तक ठीक है चलिए दोस्तों अध्याय वन में आप लोग धारा पहला में क्या था नाम था छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम जो है उसका नाम है उसका पहला ही धारा में उसका विस्तार है आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए दोस्तों कि बताइए कि छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम का विस्तार किन किन क्षेत्रों में है यह भी धारावन में ही है ठीक है ऐसे बातचीत करके धाराएं सब याद हो जाएंगी आप लोग को समझे अगर आपसे बोला जाए दोस्तों कि बताइए कि छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम का नाम किस धारा में है तो धारावन में है छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम का विस्तार किन क्षेत्रों में है यह भी तो सवाल बनता है ना छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम का विस्तार किन क्षेत्रों में है तो आप लोग को याद होना चाहिए कि इसका विस्तार जो है इसका विस्तार जो है उत्तरी छोटा नागपुर दक्षिणी छोटा नागपुर पलामू प्रमंडल और कौन सा कोल्हान परमंडल मतलब झारखंड जो पूरा पूरी झारखंड है दोस्तों इस पूरा पूरी झारखंड में पूरा झारखंड में संथाल परगना को छोड़कर बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उत्तरी छोड़ा नागपुर दक्षिणी छोड़ा नागपुर पलामू परमंडल और कोल्हान परमंडल इन सभी क्षेत्रों में सीएनटी एक्ट आता है समझे यानी सीएनटी एक्ट का विस्तार इन पूरे क्षेत्रों में है केवल संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम का विस्तार संथाल परगना में है ठीक है उसके बाद पहला ही अध्याय में आप लोग देखें कि उसका क्षेत्र कौन कौन सा शामिल है आ, उसके बाद आपसे यह भी पूछ देता है कि वह क्षेत्र भी शामिल जिसमें बिहार उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम जो उन्नीस आया था ना बिहार उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 के अधीन नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र सीमित गठित हो किसी छावनी के भीतर पड़ते हो वो भी धारा वन में ही लिखा हुआ है है ना चलिए उसके बाद जो धारा तीन था धारा तीन इंपॉर्टेंट है धारा तीन में ही दोस्तों परिभाषाएं हैं जो आज के क्लास में आपको बताया ना कृषि वर्ष क्या है भूगत बंद बंधक क्या है ज्योत किसको बोलते हैं कोरकर किसको बोलते हैं भूस्वामी किसको बोलते हैं कस्तकार किसको बोलते हैं लगान क्या है ठीक है चल संपत्ति किसको बोलते हैं मुंडारी खुटकटीदार किसको बोलते हैं भूधृति किसको बोलते हैं ये सारे अधिनियम किसको है भाई किस किसमें है ये सारे अधिनियम धारा तीन में पड़ेगा आपको किसमें पड़ेगा ये सारे के सारे अधिनियम जो है सॉरी परिभाषाएं जो है वो धारा तीन में है तो धारा वन तो याद हो गया तीन भी याद हो तो गया ठीक है अब कुछ कुछ शब्दावली आपको बताना बाकी है अभी चूंकि हम शब्दावली ही बता रहे थे तो उसी बीच में ये आ गया इसलिए आपको धारा याद करवा दे रहे हैं पहला और तीसरा याद हो गया दूसरा याद करने की जरूरत नहीं बहुत लंबा लिफाफा है उसके बाद देखिए धारा चार में कस्तकार है दोस्तों और इसी कस्तकार के अंतर्गत भूधारक आता है रैयत आता है खुटकटीदार आता है तो भूधारक का अर्थ धारा पांच में है रैयत का अर्थ धारा छः में है खुटकटीदार का अर्थ धारा सात में है ठीक है तो आइए अर्थ जानने का हम लोग प्रयास करते हैं सब लोग एक बार लाइक बटन दबाइए नींद नहीं आएगा समझे जिनको नींद आ रहा है ना आज थके हुए हैं आप लोग भी मुझे लग रहा है कल की क्लास में पूरे जोश में थे साढ़े सात सौ लगभग लाइव आए थे कल आप लोग लेकिन आज जो है चार सौ में अटके हुए हैं है ना तो छुट्टी का दिन भी है थोड़ा पूर्णिमा का दिन है रक्षाबंधन का दिन है कई लोग इधर उधर भी होंगे ठीक है इसलिए हम जानबूझ के आज के क्लास को शॉर्ट किए हैं ज्यादा देर नहीं लेंगे आप लोग का क्लास आधा घंटा और लेंगे आराम से देखते रहिए चलिए भूधारक ये वाला याद हो गया दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में ठीक है इसका हम लोग शब्द का मतलब तो समझेंगे ही लेकिन उससे पहले आप लोग को ये बता देते हैं कि ये भूधारक क्या होता है चलिए भूधारक का डेफिनेशन धारा पांच में है रैयत का अर्थ धारा छह में है और खुटकटीदार का, का अर्थ कितने में कि सात में याद हो गया ना चलिए अब आइए भूधारक यानी कि धारा नंबर कौन सा भाई धारा पांच धारा पांच में किसके बारे में है भूधारक के बारे में है किसके बारे में है भूधारक के बारे में है और धारा छह में किसके बारे में है धारा छे में रैयत के बारे में है अब ये दोनों हम एक साथ यहां पर इसलिए बताने वाले हैं क्योंकि बहुत लोग को भूधारक और रैयत में कंफ्यूजन होता है तो हर हम यहां पर दोनों को कंपैरिजन करके क्लियर करने का प्रयास करेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए भूधारक का मतलब समझते हैं सबसे पहले दोस्तों भूधारक जो होता है अपनी या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किया हुआ हो अपनी या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किया हुआ हो और उसका लगान चुकाता हूं ठीक है ये तो धारण करके उसका लगान चुकाता है और उसमें यूज करता उस खेत का यूज करता है ठीक है अच्छा उसके बाद अगर रैयत के बारे में पूछेगा दोस्त अगर रैयत के बारे में पूछेगा थोड़ा सा अंतर है रैयत में रैयत वे होते हैं ना जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार होता है खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार वर्ड यहां पर ऐड किया गया है अधिकार होता है समझे यानी राइट होता है उसको खेती करने के लिए भूमि को धारण करने का उसको राइट होता है उसको रैयत बोलते हैं समझे और भूमि को धारण करके उसका मतलब अपनी या दूसरे की भूमि को भूमि जो जमीन है उसको खेती के लिए धारण करता उसके बदले जो लगान चुकाता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग भूधारक ठीक है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है एक में अधिकार होता है उसको भूमि को धारण करके उसमें खेती करने का और तीस जो दूसरा बताया आपको वो होता है क्या रैयत जिसको खेती करने के लिए भूमि धारण करने का क्या होता है राइट होता है दोस्तों ठीक है चलिए खुटकटीदार बता देते हैं उसके बाद रैयत का हम प्रकार बताएंगे उसके बाद मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ किसमें है किसमेंगे मतलब वही हुआ खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का मतलब वही हुआ ठीक है सुनिए ध्यान से रैयत किसमें था धारा छ में था धारा नंबर जो सात है धारण नंबर जो सात है साथियों इसमें क्या है खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ है क्या है खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ है ठीक है पांच में भूधारक का अर्थ है छे में रैयत का अर्थ है सात में खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ है ठीक है और सात में खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ है दोस्तों और ये खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत किसको बोलेंगे आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत किसको बोलेंगे दोस्तों खूट का मतलब समझते हैं गांव में सुनते होंगे आप लोग अपने दादा जी से अपने पिताजी से खूट मतलब क्या होता है ना एक तो आप लोग जानते हैं खुटकट्टी का मतलब क्या होता है कि जंगल को साफ करके भूमि को तैयार किया जाता है खेती के लिए उसी को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है तो अगर कोई ऐसा रैयत है जिसके पूर्वजों ने है ना जिसके पूर्वजों ने खुटकट्टी भूमि को धारण किया हो और वंशानुगत उसका उस पर अधिकार हो तो उसको बोलेंगे खुटकट्टी अधिकार युक्त जो रैयत बोलेंगे समझ में आया बोलो बोलो समझ में आया दोस्तों धारा आठ आ रहे हैं रुक जाइए ठीक है दोस्तों चलिए तो क्या बोले इसका अर्थ क्या बताए कि जो रैयत वैसे भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखता हो लिख देते हैं यहां पर लिख दें कि बोल दें बोल देते हैं सुन लीजिए कुछ शब्द है जो हम आपके नोट से अपने नोट से आपको बता देते हैं खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का मतलब होता है कि जो रैयत वैसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखता हो समझे वैसी भूमि कैसी भूमि दोस्तों जिससे परंपरा के वंशदो वंशजों द्वारा जंगल के कृषि योग्य भूमि पर विकसित किया गया हो समझे जंगल में कृषि योग्य भूमि मतलब एक जंगल था जिसको साफ करके उसको कृषि योग्य बनाया गया था उनके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था और वंशानुगत उस पर उसका अधिकार हो गया तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत बोलेंगे क्या बोलेंगे खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत बोलेंगे ठीक है उसके बाद अगर आपसे बोला जाए धारा आठ धारा आठ तक आपको याद करवा दिए हैं सुन लीजिए ध्यान से धारा आठ में ना मुंडारी खुटकटीदार का मतलब है धारा आठ में क्या है दोस्तों मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ आपको किस में मिलेगा तो धारा आठ में मिलेगा ठीक है मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत लेने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो और वो मुंडारी होना चाहिए मुंडा जनजाति का होना चाहिए वैसे को क्या बोलेंगे मुंडारी खुटकटीदार बोलेंगे और मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ किसमें है साथियों धारा नंबर आठ में है किसमें है धारा नंबर आठ में है दोस्तों ठीक है चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आगे कुछ और शब्दों के बारे में जो शब्द छू गए थे उन शब्दों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोग को कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी भूस्वामी का मतलब कस्तकार का मतलब बता दिए थे लगान क्या होता है आइए लगान के बारे में जानते हैं लगान क्या होता है स्पष्ट समझ लीजिए लगान किसको कहा जाता है देखिए अगर हम बात करें लगान की दोस्तों रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या उपभोग के बदले भूस्वामी को दिए जाने वाला धन या वस्तु समझे रैयत अगर किसी भूमि का उपयोग कर रहा है या उसका उपभोग कर रहा है तो उसके उपयोग या उपभोग के बदले भूस्वामी को जो दिया जाता है राशि दिया जाता है या वस्तु दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं लगान बोलते हैं ठीक है लगान एक मूवी है बहुत बढ़िया ठीक यानी कि ध्यान से सुन लीजिए रैयत भूमि के उपयोग भूमि के उपयोग या उपभोग के बदले भूस्वामी को भूस्वामी को वस्तु या राशि चुकाता है इसी को क्या बोलेंगे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों लगान बोलेंगे ठीक है क्लियर है भाई यहां तक चलिए लगान के बारे में कल हम कौन सा अध्याय बताए थे जी कल अध्याय बताए थे ना उसी अध्याय के अंदर कोई भी धारा में होगा अब उतना धारा किसी को याद नहीं रहता ये मत सोचना ये धाराएं जो है ना वकील को भी किताब पलट के देखना पड़ता है जो भूमि संबंधी वकील है उनको भी दस पान दस पंद्रह जो उनके यूज का धारा होता है वही याद होता है ये ये मत सोचना कि कोई टीचर है या कोई बहुत तेज स्टूडेंट है या जे निकाले हुए है या कुछ भी किए हुए भाई धारा किसी को याद नहीं रहता है नंबर हाँ उसके शब्द के मतलब याद है अध्याय तक याद कर सकता है और अध्याय अगर याद है तो ऑब्जेक्टिव में धारा वो लगा सकता है ठीक है आप लोग कोशिश करिए ना हम आपको बोल रहे हैं ना आप लोग कोशिश करिए अध्याय को याद करने के बाद अध्याय को जो उन्नीस अध्याय है ना सी एन टी का रेस्पिटी का जो भी है उसको याद करने के बाद आप उसके धाराओं को देख लीजिए किस, किसके, किसके बीच में है अगर आपको उसका जो विषय है अध्याय का वो याद है तो आप लगा लीजिएगा दोस्त है ना आप लगा लीजिएगा आराम से ऑब्जेक्टिव में समझ गए तो लगान का मतलब समझ आ गया अच्छा चल संपत्ति किसको बोलते हैं चल संपत्ति किसको बोलते हैं अच्छा आपसे अगर हम पूछेंगे कि बताइए जो खड़ी फसल है वो चल संपत्ति है कि अचल संपत्ति है खड़ी फसल जो है वो चल संपत्ति है कि अचल संपत्ति है चल संपत्ति है है कि नहीं अचल संपत्ति किसको बोलते हैं जमीन हो गया घर हो गया ये सब अचल संपत्ति है समझे और जो खड़ी फसल होता है वो चल संपत्ति होता है अच्छा मुंडारी खुटकटीदार कस्तकार का मतलब समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है ना अस्थाई भूदृत्ति किसको बोलते हैं अस्थाई भूदृत्ति किसको बोलते हैं अस्थाई भूदृत्ति किसको बोलते हैं दोस्तों भूध का मतलब बता दिए अगर वो वंशानुगत है तो वैसे भूध को अस्थाई भूध बोलते हैं ठीक है थोड़ी देर पहले हम भूधृति का मतलब बताए थे अगर भूधृति यानी वैसा भूमि व्यवस्था के बारे में बात किए थे अगर वो भूमि व्यवस्था वंशानुगत है तो उसको हम लोग अस्थाई भूधृति कहेंगे क्या बोलेंगे अस्थाई भूदृति कहेंगे आई बात समझ में सबको चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं शब्दावली में कुछ चीजें रह गई क्या अब हम लोग आगे धीरे धीरे करके देखते चले चले जाएंगे अब देखिए दोस्तों आप लोग को अगर रैयत के बारे में पूछा जाए समझे रैयत के बारे में पूछा जाए तो रैयत के प्रकार होते हैं समझे रैयत जो होता है वो तीन प्रकार का होता है मुखिता जो है मुखिता तीन प्रकार का होता है लेकिन उसमें एक दर रैयत भी ऐड किया गया है तो आइए रैयत के प्रकार के बारे में जान लेते हैं ठीक है आइए सुनिए ये भी आपका सवाल इंपॉर्टेंट है रैयत कौन सा धारा में यह तो याद ही हो गया आप लोगों को बोलिए रैयत का अर्थ किस धारा में है रैयत का अर्थ किस धारा में है रैयत का अर्थ धारा पांच में है पांच में है जी के छे में है छे में है समझे रैयत का अर्थ जो है वो किस में मिलेगा आपको धारा छ में मिलेगा ठीक है चलिए और रैयत के बारे में सारे प्रावधान जो मिलेंगे वो अध्याय चार में मिलेंगे सोलह से लेकर छत्तीस तक अध्याय चार में जो सोलह से छत्तीस तक जो धारा है उसमें रैयत से संबंधित सारे प्रावधान मिलेंगे लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम रैयत के प्रकार के बारे में जान लेते हैं ठीक है क्या जान लेते हैं कि रैयत देखिए रैयत जो होता है दोस्तों इसमें जैसे कौन कौन होता है देखिए ध्यान से रैयत के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं एक होता है अधिभोगी रैयत अधिभोगी रैयत ठीक उसके बाद एक होता है अनाधिभोगी रैयत ठीक है अधिभोगी रैयत एक होता है एक आपका भोगी रैयत होता है और एक होता है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है ना अधिभोगी रैयत किसको बोलते हैं बताइए का अधिभोगा अधिकार जिसको प्राप्त होता है ना अपनी जो भूमि वो लिया हुआ है अपना जो धारित भूमि है रैयत भूमि को धारण करता है यूज करने के लिए उसमें अधिभोगी रैयत और अनाधिभोगी रैयत में थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों अधिभोगी रैत जो होता है जो भूमि धारण करता है उस पर उसका अधिभोगा अधिकार होता है ठीक है अब आप लोग बोलेंगे सर ये अधिभोगा अधिकार क्या होता है अधिभोगा अधिकार क्या होता है तो दोस्तों अधिभोगा अधिकार को इंग्लिश में अगर समझिएगा ना तो इसको ऑक्यूपेंसी राइट बोलते हैं क्या बोलते हैं अक्यूपेंसी राइट मतलब कि अगर वो उस भूमि पर उसका अधिभोगा अधिकार हो गया है तो उसका वो खुलकर इस्तेमाल कर सकता है है ना उसका वो ऑक्युपेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है ऑक्युपेंसी राइट उसको मिल गया है वो मतलब एक कह सकते हैं अधिक अधिकार है उसके पास भूमि से संबंधित और अनाधिभोगी भोगी रैयत का मतलब क्या हो गया कि कोई रैयत जो है भूमि को धारण किए हुए है और उसको उस पर उस भूमि पर अधिभोगा अधिकार प्राप्त नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे अनाधिभोगी रैयत तो बोलेंगे ठीक है <laughs> मतलब देखो फास्ट देखिए फास्ट चलने वाला चैप्टर नहीं है ललन कुमार मेहता है। सोचते हैं ना कि एकदम मैगी की तरह तुरंत खा जाए इस चैप्टर को तो वो पॉसिबल नहीं इसको आराम आराम से आराम आराम से पढ़ेगा ना तभी समझ में आएगा आप लोग हड़बड़ में पढ़ाई जो होता है ना दोस्तों पढ़ाई जो होता है ना सोचते हैं ना हड़बड़ में कम्प्लीट कर लें अफसर बन जाए अधिकारी बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है समझे वैसे पॉसिबल नहीं हड़बड़ में कभी भी पढ़ाई नहीं पढ़ाई को इंजॉय करके मन लगा कर चीजों को अध्ययन करते जाइए समझते जाइए दिमाग में रखते जाइए इन्हें खाली पढ़ के खत्म कर दिए हाँ हो गया छुट्टी अब चलो एग्जाम देने ठीक है तरुण कुमार डिटेल में ही बताए कि कोई रैयत जो है वो रैयत भूमि भूमि को धारण करके उस पर खेती करता है ठीक है अगर उसको उस पर अधिभोगा अधिकार यानी अक्यूपेंसी राइट प्राप्त हो तो उसको अधिभोगी रैयत बोलेंगे और अक्यूपेंसी राइट प्राप्त नहीं हो तो उसको अनाधिभोगी रैयत बोलेंगे ठीक है अब बोल रहे सर अक्यूपेंसी राइट समझा दीजिए अच्छा अक्यूपेंसी राइट में क्या होता है ना उसको कह सकते हैं कि उस पर खेती करने का उस पर उस पर किसी का दखल नहीं होता है समझे साधारण भाषा से समझाने का आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सब चीज जो हम समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं आप ढूंढते रहेगा कहीं नहीं मिलेगा अधिभोगा अधिकार का मतलब हुआ ना कि वो रैयत जिस भूमि को धारण किए हुए हो उस भूमि पर किसी का दखल नहीं होगा मतलब उस पर उसका अधिभोगा अधिकार है और अनाधिभोगी जो रैयत होता है उस भूमि पर किसी का दखल भी हो सकता है मतलब वो क्या है अनाधि भोगी रैयत ठीक चलिए उसके बाद खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का मतलब समझ गए खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में अभी तो बताए थे आप लोगों को खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में अभी पिछले स्लाइड में ही तो बताए थे कहा गया हाँ कि उसको पूर्वजों के द्वारा कोई उनके पूर्वज जो हैं वो जंगल की भूमि को साफ करके उसको कृषि योग्य बनाए हैं और उस पर किसी उसी के वंशज का अधिकार हो गया हो तो उसको खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रही बोलेंगे ठीक है समझ में आया चलो अब ये वाला क्लियर हो गया आप लोगों का तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप लोग तो को ये बता देते हैं कि जैसे कि आप लोग दूसरा जो वाला जो तीसरा दो अध्याय तो क्लियर हो गया तीसरा अध्याय जो आप लोग पढ़े थे उसमें भूधारक के बारे में पढ़े थे जिसमें कि नौ से लेकर पंद्रह तक था तो भूधारक वाले में क्या रहेगा मतलब कि भूधारक जो होता है जो कि कष्टकार का ही एक भाग है भूधारक तो भूधारक से रिलेटेड सारे प्रावधान जो मिलेंगे आपको बहुत सीरियल से है भाई आप लोग ने इधर उधर से पढ़ोगे याद नहीं होगा सीरियल से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी क्योंकि अभी हम जो बताए अध्याय नंबर दो उसमें कष्टकार है और दो में जो जो भी धाराएं लिखी हुई थी जैसे कि आपका चार पांच छ सात आठ धाराएं ये सारे आपके किसके बारे में कष्टकार के बारे में, में डिफरेंट वे कष्टकार के बारे में लेकिन अगर आप उसमें जैसे मुंडारी खुटकटीदार के बारे में है आठ नंबर में सात नंबर में आपने देखा कि खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में है छह नंबर में आपने देखा कि रैयत के बारे में रैयत का अर्थ है पांच नंबर में आपने भूधारक का अर्थ देखा ठीक है चार नंबर में आपने कस्तकार का, आ, का अर्थ देखा तो ये तो क्लियर हो गया धारा सारा उसके बाद जब आप अध्याय तीन में जाते हैं तो नौ से लेकर पंद्रह तक खाली भूधारक के बारे में है समझे नौ से लेकर धारा पंद्रह तक केवल आपको क्या मिलेगा उसमें भूधारक के बारे में मिलेगा और उसमें क्या भूधारक के लगान में वृद्धि नहीं होगी यदि बंदोबस्ती के समय लगान में परिवर्तन ना किया गया हो समझे भूधारक को जब बंदोबस्त किया गया हो तो उस समय लगान में परिवर्तन अगर नहीं किया गया तो लगान में वृद्धि नहीं होगा यह प्रावधान आपका नौ में है फिर भू भुद, मतलब भूधारक से संबंधित जितना भी प्रावधान है ना वो आपको अध्याय तीन में मिलेगा मतलब धारा नौ में धारा दस में धारा ग्यारह में नौ का क में बारह में मतलब आपका कितना पंद्रह तक ठीक है धारा पंद्रह तक जो भी चीजें मिलेगी आपको भू धारक से संबंधित मिलेगी ठीक उसके बाद जब आप अध्याय चार में जाइएगा तो अध्याय चार में आपको सारी चीजें जितने भी शब्द मिलेंगे रैयत संबंधित मिलेगी जिसमें आप जैसे बंदोबस्त रैयत की परिभाषा पूछ देगा ठीक है तो सोलह से स्टार्ट होता है रैयत 16 से 36 तक आपको बताएं तो उसके बीच में जो धाराएं होंगी रैयत के संबंध में होगी जैसे कि धारा सत्रह में बंदोबस्त रैयत का के बारे में दिया गया है बंदोबस्त रैयत क्या होता है उसकी परिभाषा क्या होती है उसके बाद धारा अठारह में भूईहरों तथा मुंडारी खुटकटीदार का बंदोबस्त रैयत होना दिया रहे कि जो भू भूहर है और जो मुंडारी खुटक दीदार है वो कैसे बंदोबस्त रैयत बनेगा इसके बारे में प्रावधान है बंदोबस्त रैयत का अधिभोगा अधिकार दिया हुआ मतलब कि दोस्तों लॉजिक लगा लीजिएगा थोड़ा सा कि धारा जो सोलह से लेकर छत्तीस तक आपको मिलेगा किसके बारे में मिलेगा रैयत के बारे में मिलेगा समझ गए आज मीठा खाए ना सब लोग आज मीठा खाए हो तो सर थोड़ा सा आलस सबको लग रहा है मुझे भी लग रहा है तो उसी तरह रैयत में आपको मिल धार, अध्याय चार में रैयत के, के बारे में मिलेगा जिसमें सारी धाराएं आपका रैयत के बारे में जैसे इसमें से जो चौबीस से धारा नंबर छत्तीस तक जो रैयत में है ना रैयत में जो धारा नंबर चौबीस से लेकर छत्तीस तक है वो लगान से संबंधित है मतलब रैयतों के लगान से संबंधित है ठीक है चूंकि अभी आपको हम क्या बोले कि सोलह नंबर धारा से छत्तीस नंबर धारा तक रैयत के बारे में और उसमें भी धारा नंबर चौबीस से लेकर के धारा नंबर छत्तीस तक रैयतों के लगान के विषय में है मतलब लगान का निर्धारण के बारे में है लगान में वृद्धि के संबंध में है लगान में कमी के संबंध में है लगान में वृद्धि कमी करने का अधिकार उपायुक्त के पास होगा यह सारी बातें यह आपको 24 से 36 के बीच में मिल जाएगा धारा ऊपर नहीं जाएगा आप लेकर ले ले के किताब कॉपी लेकर के कॉपी लेके बैठिए आप लोग जो पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं आप लोग नोट्स को जो भी टॉपिक जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसका नोट्स डाउनलोड करके प्रिंटआउट कराए हैं बताइए प्रिंटआउट कराए कि नहीं कराए हैं ठीक है उसके बाद अध्याय पांच में जाएगा तो खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत मिलेगा फुटकट्टी अधिकार प्राप्त रहिए केवल एक ही अध्याय एक ही धारा था उसमें सैंतीस नंबर धारा जो आपको हम बताए थे कि सैंतीस नंबर धारा बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लीजिएगा ठीक है चलिए <laughs> आज नहीं ले पाएंगे ग्यारह बजे तक ठीक है आज ग्यारह बजे तक नहीं ले पाएंगे कल ले लेंगे कल फिर ले लेंगे क्लास सी एन टी एस पी टी का एक और स्पेशल क्लास आज आप लोग भी थोड़ा सा कम एनर्जी महसूस कर रहे हैं और मुझे भी थोड़ा कम एनर्जी महसूस हो रहा है तो हम लोग कल जो है कल इसके बारे में जो अंतिम क्लास करते हैं कल फाइनल कर देते हैं चीज़ों को ठीक है कल दिन भर इस पर शॉर्ट आउट निकालूंगा मैं इसका निचोड़ निकालूंगा और अंत में कल कर लेंगे दोस्तों ठीक है आज थोड़ा सा मुझे भी थका हुआ लग रहा है इसलिए मुझे भी ज्यादा मन नहीं लग रहा है मैं चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं समझा रहा हूं मगर आज मेरा भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है कल बनाने का प्रयास करेंगे ठीक है चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा शेयर कर दीजिए आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी इसी नौ बजे कल मुलाकात होगी नौ से ग्यारह साढ़े ग्यारह तक कर, कर लेंगे हम लोग ठीक है चीज़ें क्लियर हो जाएगी थोड़ा सा मुझे आज टाइम भी नहीं मिला इसका निचोड़ निकालने का कि क्या क्या निचोड़ निकाला जाए कल मुझे टाइम मिला था तो कल क्लास अच्छी थी दोस्तों कल के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे चीज़ों को आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे और बहुत सारे निचोड़ निकाल करके कल आप लोग को रिवीजन अब जो पेड बैच ज्वाइन की वो तो एकदम जाके कॉपी निकालिए रिवीजन कीजिए ठीक है क्योंकि इतना जो कल क्लास हुआ और आज क्लास हुआ ये दोनों क्लास से आप लोग को बहुत सारी चीजें याद हो, हो गई होगी तो आप लोग पहले पढ़े हैं सब याद हो गई होगी तो अब आप लोग जाके रिवीजन करिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए मिलते हैं फिर सभी को गुड नाइट शुभरात्रि आज का थोड़ा छोटा सा सेशन था हालांकि नौ बजे मुझे शुरू करना चाहिए था ज़्यादा बेटर रहता बट चलिए कोई बात नहीं अच्छा छुट्टी का दिन भी था थैंक यू सो मच दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल हम लोग करेंगे दो ढाई घंटे कल के सेशन में दो ढाई घंटे फिर से हम लोग जुड़ेंगे तो कल याद रखिएगा कल का टाइम कल नौ बजे कल नौ बजे दोस्तों ठीक है थैंक यू